अतिवृष्टि के कारण प्रदेश का किसान आज तबाही के कगार पर पहुंच गया है। कई गांव और शहर ऐसे जहां गरीबों के घर गिर गए, आशियाना उजड़ गया है और किसान की फसलें सड़ गई है। सोयाबीन, उड़द, मूंग, सब्जियां, एक नहीं अनेकों फसलें तबाह और बर्बाद हो गई। मैं किसान के खेतों में जा रहा हूं लेकिन मुझे तकलीफ है। मैं तो किसानों के खेत में जा रहा हूं, कीचड़ में घुस रहा हूं, भले बूट पहन के मैं गया हूं, उनकी फसलें देख रहा हूं, उनकी तकलीफ देख रहा हूं, सर्वे की मांग कर रहा हूं, राहत मुआवजा की मांग कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के मंत्री घर बैठे बैठे कह रहे हैं कि शिवराज सिंह बूट पहन के जा रहा है। कुछ तो श्रम करो, ड्यूटी आपकी थी, मंत्री आप हो, घर में बैठे बैठे केवल हम बातें कर रहे हैं। खेतों में आपको उतरना चाहिए, फसलें आपको देखना चाहिए, राहत मुआवजे की मांग आपको करना चाहिए, आप केवल मेरी आलोचना में लगे, इससे किसानों का भला होगा? जब तक मुख्यमंत्री मंत्री नहीं निकलेंगे तब तक अफसर नहीं निकलेंगे, सर्वे नहीं होगा, राहत और मुआवजा नहीं मिलेगा। मुझे गाली देना हो दे लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा सब्जेक्ट हूं, लेकिन कम से कम खेतों में उतर के किसान की तकलीफ तो दूर करने की कोशिश करूं।